हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सिक्स का मैथ्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। चैप्टर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अभी हम टॉपिक रेशियो कर रहे हैं। रेशियोज के काफी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आई होप अब तो बिल्कुल अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। देखते हैं कि कितने आपको क्वेश्चन अब समझ में आ रहे हैं और कहां तक आप इनको सॉल्व कर पाते हैं, ये तो चेक करना बनता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रही हैं चीजें और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कोई भी सवाल। बोला क्या गया है, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड रुपीज 36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स एंड द एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो बच्चों ध्यान से समझना कि मदर है, उसकी दो बेटियां हैं, ठीक है। मदर की दो बेटियां हैं और उनके पास, मदर के पास कितने रुपए हैं, 36 रुपए हैं। अब अपने दोनों बेटियों के बीच में उसको पैसे बांटने हैं, तो एक बच्ची छोटी है एक बड़ी है। अब दोनों को बराबर तो दे नहीं सकते, दोनों का खर्चा, छोटे बच्चे का खर्चा कम होता है और बड़े बच्चे का थोड़ा ज्यादा होता है, तो किस हिसाब से बांटेंगी वो। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर वो अपन उनकी जो उम्र है उसी अनुपात में इस राशि को बांट दें तो बहुत अच्छा रहेगा, आराम से वो बांट पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो दोनों बच्चियां हैं, श्रेया है उसकी उम्र तो 15 साल है, जबकि जो भूमिका है, भूमिका की उम्र है 12 साल। तो 15 और 12 साल इनकी एज है, इस अनुपात में इन दोनों की जो एज है इसका जो अनुपात है सेम अनुपात में ये पैसे डिवाइड करने हैं। तो जल्दी से बताइए कि भाई कितने कितना इनको अमाउंट मिलेगा दोनों को, श्रेया और भूमिका को। तो क्वेश्चन क्लियर है, अब आंसर आपको करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करके आंसर देंगे आप। बच्चों जो जो आपका आंसर आता है आपको क्या करना है, अब चैट के माध्यम से, आज चैट का यूज करेंगे हम, चैट के माध्यम से अपना आंसर सब बच्चे शेयर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे मैच करेंगे आप अपना आंसर, ये अपना आंसर चेक करेंगे कि क्या आंसर आया है और जो सॉल्यूशन है क्या इसी तरह से आपने किया है, ये चीज अपनी नोटबुक में आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, सबसे पहले तो उनकी एज का रेशियो चाहिए। जब उम्र का रेशियो मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा, तभी तो उस अनुपात में हम 36 रुपयों को बांटेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रेशियो भाई श्रेया की एज कितनी है, श्रेया की एज है 15 इयर्स और भूमिका की एज है 12 इयर्स। क्या यही होगी फाइनल रेशियो, नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, भाई दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 चुक 12, तो ये हो गया 5:4। ये है इनकी उम्र की, उम्र का अनुपात, एज की रेशियो ये हो गई। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 10 रुपीज 36 विल बी
बी डिवाइडेड इन इन रेशो 5:4 पांच अनुपात चार में 36 रुपए को हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पे एक चीज हमें पता लगती है कि देखिए एक को मिलेंगे पांच भाग और एक को चार भाग। टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स हैं 5+4 ये हो गए 9। तो बेसिकली ये बोला गया है कि हर एक 9 रुपए में से हर एक 9 पार्ट में से वही पांच भाग मिलेंगे श्रेया को और चार भाग मिलेगा भूमिका को। मतलब हर एक 9 रुपए में से पांच भाग मिलेंगे श्रेया को और चार रुपए मिलेंगे भूमिका को। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं श्रेया की। श्रेया विल गेट, श्रेया को क्या अमाउंट मिलेगा भाई? श्रेया को पांच भाग मिलेंगे। टोटल कितने भाग हैं? 9 हैं। और कितने रुपए डिवाइड करने हैं? 36 रुपए डिवाइड करने हैं। तो 9 × 9, 9 × 36 ये आ गया 5 × 20। तो 30 रुपए श्रेया को मिलेंगे, 30 रुपए 36 में से, ठीक है। इसी तरह हम भूमिका की जो रेशियो है वो निकाल देंगे, उसका भी आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर फाइनल जो भूमिका का अमाउंट है वो हम निकालेंगे। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है दैट मींस इसमें आपको भूमिका को कितना मिलेगा ये बताना है अमाउंट। तो यहां पे लिखेंगे भूमिका विल गेट, कितना मिलेगा भूमिका को भाई? टोटल जो पार्ट्स हैं वो 9 हैं और भूमिका को उसमें से चार हिस्से मिलते हैं और 36 में से, है ना, रुपए हैं 36। तो 9 × 36 होता है, 4 × 16 होता है, तो भूमिका को 16 रुपए मिलेंगे। यानी श्रेया को मिलेंगे 20 रुपए और भूमिका को मिलेंगे 16, टोटल हो गए 36। तो इस तरह से उनका डिवीजन किया गया है, वो भी उनकी एज के रेशियो में, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों। अब अगला सवाल हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझेंगे, पार्ट्स अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 इयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 इयर्स, फाइंड द रेशियो। भाई इसमें इंपॉर्टेंट डाटा आपको गिवन है, क्या फादर की एज कितनी है भाई? जो फादर की अभी की एज है उनकी उम्र है 42 साल। फादर की उम्र 42 साल है और उनका जो बेटा है उनकी उम्र 14 साल है। दोनों की एज आपको दी है और अनुपात बताने हैं आपको। किसके अनुपात बताने हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, भाई फादर की जो अभी प्रेजेंट एज है उसका अनुपात बताना है सन की प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज है 42 और 14, तो इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे हम इजीली। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। अब सवाल थोड़ा हा बदल दिया गया है भाई। फिलहाल जो सन है, बेटा है, वो 14 साल का है, लेकिन आपको इनका अनुपात तब निकालना है इसकी उम्र का, इन दोनों की उम्र का, जब बेटा 12 साल का होगा। जरा सोचिए, अगर बेटा 12 साल का था तो कितने साल पहले वो 12 साल का था? आज वो 14 साल का है तो 2 साल पहले वो 12 साल का होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर 2 साल पहले बेटा 12 साल का था तो उसके पापा 2 साल पहले कितने साल के होंगे भाई? आज 42 साल के हैं तो 2 साल पहले ऑब्वियसली 40 साल के होंगे। 42 में से 2 माइनस कर देंगे तो दोनों की एज आ गई कितनी, 40 और 12। इनका अनुपात निकाल देंगे हम इजिली। इसी तरह से
सभी पार्ट्स आप कर सकते हैं, पर पहले आप फर्स्ट टू पार्ट्स कीजिए और मुझे बताइए क्या रेशियो इसका आता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं हम और सबसे पहले ही सीधा रेशियो निकाल लेते हैं पार्ट ए का। तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन। भाई फादर की जो प्रेजेंट एज है उसका अनुपात सन की प्रेजेंट एज के अनुपात से 42/14। भाई 14 का पहाड़ा किसको आता है, तो 14 तीये कितना होता है, 14 × 3 = 42 होता है। तो कितना आ गया अनुपात, ये आ गया 3/1, दैट इज 3:1, 3:1। ये आ गया है, तो इसको देखिए फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, कंप्लीट हो गया है 3:1 के साथ। अब पार्ट सेकंड देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है, द एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 years old। ठीक है, When son was 12 years old, age of the father। भाई father की एज उस टाइम पे क्या थी जब son 12 साल बड़ा था, तो वो 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, दैट इज 40 years, मतलब फादर की एज 40 years थी 2 साल पहले, जब सन की एज थी 12 years। तो यहां पे रेशियो निकालेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर टू दैट ऑफ सन कितनी है, 40/12 है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 40 = 10/3 आ गया, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10:3 इसका रेशियो आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, फर्स्ट टू पार्ट्स यहां पे हमारे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों ये दोनों पार्ट्स आपने नोट डाउन कर लिए, समझ में आ गए हैं, तो अगले 2 पार्ट करते हैं अब हम। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। पार्ट सी में क्या बोला गया है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। तो प्रेजेंट एज दोनों की है 42 साल और 14 साल। बोला गया है 10 साल बाद उनकी उम्र कितनी होगी, उस उम्र का अनुपात आपको बनाना है। यहाँ सिंपल है, दोनों की पहले तो 10 साल बाद की जो उम्र है वो निकाल लेंगे हम, उसके बाद जैसे नॉर्मली हम अभी तक रेशियो निकालते आए हैं वैसे रेशियो निकाल लेंगे। अब पार्ट डी देखिए, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old। सोचिए अब कि फादर की एज जब 30 साल थी, तो भाई ये पहले के बारे में बात कर रहे हैं या बाद के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। तो अभी फादर की एज कितनी है, 42 साल, और इन्होंने पूछा कब का रेशियो है, जब फादर की एज 30 साल थी। तो
फादर की ये 30 साल कब थी भाई? 30 साल मतलब तो ये हुआ, कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो 30 साल फादर की एज थी 12 साल पहले। कितने साल पहले? 12 साल पहले। तो 12 साल पहले जो सन था उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फादर की एज तो 30 साल यहाँ पे बोल दी गई है, सन की एज आप निकाल लेंगे और यहाँ से भी दोनों का अनुपात इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो इसको देखिए, बाकी के दो पार्ट्स हैं, अब जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और अपना आंसर शेयर कीजिए। बच्चों क्वेश्चन समझिए, अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एज ऑफ, ये है पार्ट सी, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स, कितनी एज होनी चाहिए फादर की 10 साल बाद? फिलहाल 42 इयर्स है, तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 52 इयर्स एज आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एज ऑफ सन निकाल लेंगे, एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स, ये कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 10, ये हो जाएगी 24 इयर्स। रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ देखिए जो फादर है उसकी एज है 52 इयर्स एंड सन की है 24 इयर्स, यही है इनकी एज। अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 2 4, एक बच गया, 2 12 और ये आ गया 12, फिर 2 से करेंगे तो 13 और 6, तो 13/6 आ गया, दैट मीन्स 13:6 ये अनुपात आ जाएगा जब वो 10 साल बाद जो उनकी एज होगी उसका। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब बात हो रही है व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, तो व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड, दैट इज 12 इयर्स अगो, 12 साल पहले की बात है। एज ऑफ सन, सन की एज कितनी थी 12 साल पहले? फिलहाल है 14, उसमें से 12 माइनस कर दिया, ये आ गया 2 इयर्स, भाई सन की एज भी आ गई। हमें निकालनी है रेशियो, तो आप लिख देंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ फादर्स एज टू दैट ऑप्शन, ये कितनी आ गई? ये आ गई 30/2, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15:1, तो ये आपका पार्ट डी हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन करेंगे और इनको रिवाइज जरूर करते रहें स्टूडेंट्स, जो डेली यहाँ पे आपको करवाया जाता है उसको रिवाइज करें ताकि आपको पता लगे कि हाँ समझ में आया है या नहीं आया, बिना देखे ये क्वेश्चंस सॉल्व किया करें घर पे।
इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।